तो फ्रेंड्स स्वागत है आपका फिर से ही एक नए वीडियो पर। तो जैसा कि फ्रेंड्स देखो, हमने पिछले वीडियो में हमने क्या देखा था, क्वेश्चन नंबर 11 तक देख चुके थे। तो आज इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, वही प्रायिकता से ही करेंगे कंटिन्यू। तो देखो जहाँ से छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करेंगे इस वीडियो में भी। अब देखो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दे। आप एनर्जी नहीं दिखा रहे हो, अपने दोस्तों को शेयर कर दो, जितने भी दोस्त हैं सबको शेयर कर दो। और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो देखो मैं हर एक क्वेश्चन को आपको अच्छे से बता रहा हूं, तो करते हैं इस वीडियो को भी स्टार्ट। देखो अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, मान ले कि जन्म लेने वाले बच्चों का लड़का या लड़की होना संभाव्य है। मतलब कि एक परिवार में लड़का या लड़की हुआ, उसका जन्म लेना संभाव्य है, बिल्कुल सही बात है, है ना। यदि किसी परिवार में दो बच्चे हैं, भाई ये बोल रहा है कि शुरू में तो माना कि जन्म लेने वाले बच्चे का लड़का या लड़की होना संभाव्य है, बिल्कुल सही बात है। यही तो पता होता है कि लड़का है या लड़की, वैसे डॉक्टरों को तो पता होता है लेकिन हमें नहीं बताते वो। तो इसमें क्या होता है, लड़का या लड़की होने की उनको संभावना है। यदि किसी परिवार में दो बच्चे हैं, यदि किसी परिवार में दो बच्चे हैं तो दोनों बच्चों के लड़की होने की से प्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात करनी है, यदि यह दिया गया है, ये हमें दे रखा है। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमें जो संभावना दिख रही है उनको बना लेते हैं। ये बोल रहा है कि किसी परिवार में दो बच्चे हैं, किसी परिवार में दो बच्चे हैं। तो देखो दोनों बच्चे क्या क्या हो सकते हैं, या तो दोनों बच्चे बॉय बॉय हो सकते हैं, या फिर एक बॉय हो सकता है एक गर्ल हो सकता है, ऐसा हो सकता है, या फिर एक गर्ल हो सकता है एक बॉय हो सकता है, या फिर दोनों ही गर्ल गर्ल हो सकती है। बिल्कुल करेक्ट बात है, ये समझ में आया होगा। इसका जो टोटल परिणाम है वो हमारे पास ये निकल के आएंगे, जिसको हम क्या बोलेंगे, प्रतिदर्श समष्टि, है ना। ये हो गया। अब देखो आगे क्या बोल रहा है, यदि हमें यह दिया गया है कि सबसे छोटा बच्चा लड़की है। अब देखो अब इसमें से एक जो पहले होगा वो क्या होगा, बड़ा होगा। हमें ऑब्वियसली बात है कि जो पहले होता है वो बड़ा होता है ना, और जो दूसरा होता है वो छोटा होता है। तो ये बड़ा होगा या ये छोटा होगा। अब देखो सबसे छोटा बच्चा लड़की है, ये हमें दिया गया, और ये मैंने हर वीडियो में बता रहा हूँ, जो हमें दे रखा होता है ना उसको मैं हमेशा घटना बी मानता हूँ, और जो हमें निकालना होता है उसको हमेशा घटना ए मानता हूँ। तो देखो ए घटना क्या है मुझे, कि दोनों बच्चों के लड़की होने की सेप्रदन प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो मैं क्या करूँगा, इधर मानूंगा, माना घटना ए, सबसे पहले ए को ही मान लेता हूँ कि दोनों दोनों बच्चों के लड़की होना, दोनों मतलब कि जो परिवार में दो बच्चे हुए हैं उनके दोनों के ही लड़की होने की प्रायिकता को क्या माना, मैंने घटना ए माना। ठीक है, यहाँ तक क्लियर समझ में आ रहा होगा, है ना। अब देखो दोनों बच्चों के लड़की होना, तो देखो दोनों बच्चों का लड़की होना, तो दोनों बच्चों का लड़की होने का मतलब सिंपल सी बात है, ये आएगा कि दोनों ही क्या है, गर्ल गर्ल है, बिल्कुल बात है। तो इसकी हम जैसे प्रायिकता चाहिए मुझे पी ए, तो क्या निकल के आ जाएगा यहाँ से, गर्ल गर्ल तो क्या है ए, और टोटल परिणाम क्या है, एक बटे चार। हालांकि इस पी ए की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो सेप्रतिबंध प्रायिकता का फॉर्मूला है, देखो फिर से ही बता देता हूँ, ये तो हर वीडियो में आ रहा है, पी ए अपॉन बी क्या होता है, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में पी बी। अब देखो कंफ्यूजन की बात है ही नहीं फ्रेंड्स, मैंने हर एक वीडियो में क्या बताया आपको, देखो पी ए इंटरसेक्शन बी मतलब कि जो ज्ञात करना होता है ना उसको हम ऊपर रखते हैं, ए वाली घटना हमेरा ज्ञात करने वाली होती है। अगर यही बी अपॉन ए होता तो बी वाली घटना हमें ज्ञात करनी होती, है ना। तो देखो समझ में आ रहा होगा, यहाँ तक क्लियर आराम से। अब देखो माना घटना ए, सॉरी घटना बी, माना घटना बी, अब बी, अब बी घटना में ये पहला मान रहा हूं मैं, सबसे छोटा बच्चा लड़का होना, है ना, पहले के लिए है ये, सबसे छोटा बच्चा क्या होना, लड़का होना, बिल्कुल सही बात है। सबसे छोटे बच्चे को लड़का किया, तो देखो सबसे छोटा बच्चा लड़का होना, सबसे छोटा बच्चा लड़की होना, सॉरी, है ना। तो देखो ये बड़ा है, ये छोटा है, ये तो बॉय बॉय हो गई। अब सबसे छोटे बच्चे का, तो ये छोटा है ना, तो एक तो ये आ जाएगा, छोटे पर गर्ल आ गई, है ना, और इसमें भी देखो दोनों में गर्ल गर्ल है तो छोटे पर भी गर्ल ही आ रही है ना, तो ये आ गए, है ना, ये समझ में आया होगा। अब मुझे चाहिए क्या, देखो पी भी चाहिए मुझे यहाँ से, तो पी भी क्या निकल के आ जाएगा, ये कितने परिणाम है, दो, और टोटल परिणाम कितने, चार, दो बटे चार। अब मुझे ए इंटरसेक्शन बी चाहिए, है ना, ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे, सिंपल सी बात है फॉर्मूले के लिए। तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब कि ये ए वाली घटना और बी वाली घटना, ए वाली और ये बी वाली, दोनों में कॉमन क्या है, मेरे पास जी जी कॉमन है ना। तो यहाँ से प्रायिकता ए इंटरसेक्शन
बी निकल के आ जाएगी, क्या निकल के आ जाएगी, ये कितना आ जाएगा एक, और टोटल परिणाम चार, एक बट्टे चार। तो यहाँ से इसके मतलब कि दोनों बच्चों के में, दोनों बच्चों के लड़की होने की सेपरेटिव प्रायिकता ये निकल के आएगी कब, जब हमारे पास सबसे छोटा बच्चा क्या है, लड़की है, तब जाके हमारी ये सेपरेटिव प्रायिकता बन जाएगी पी ए अपॉन बी इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में पी बी। अब देखो ए इंटरसेक्शन बी क्या आया, एक बटे चार आया, है ना, और पी बी कितना आया, दो बटे चार आया, तो चार से चार कट जाएगा और एक बटे दो बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका निकल के आ जाएगा। तो आइए फ्रेंड्स, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, समझ में आया होगा। अब देखो दूसरा क्वेश्चन में, दूसरे में क्या है, वही घटना माना है हमने, माना माना घटना। अब देखो ये बी, बी तो हमने यहाँ मान लिया, तो इसको बी डैश मान लेता हूँ। माना घटना बी डैश क्या है मेरे पास, न्यूनतम, न्यूनतम ये दिख रहा होगा है ना, न्यूनतम एक बच्चा, एक बच्चा, एक बच्चा लड़की है, न्यूनतम एक बच्चा लड़की होना, ये मान लिया। अब देखो न्यूनतम का मतलब क्या होता है, कम से कम, कम से कम एक बच्चा तो लड़की हो ही गई होगा, एक बच्चे का तो लड़की होना जरूरी है, कम से कम का मतलब ये है, उस ज़्यादा से ज़्यादा दो है इसमें तो दो हो सकते हैं, तो न्यूनतम का मतलब है कम से कम एक तो होना ही चाहिए। तो देखो बी जी आ जाएगा, बॉय गर्ल, एक गर्ल आ गई, इसमें गर्ल बॉय आ गया और ये दोनों भी आ जाएंगे। तो यहाँ से पी बी डैश निकालेंगे हमें तो क्या आएगा, ये टोटल तीन है और टोटल परिणाम चार है, और ये कितना है अनुकूल परिणाम, तीन, तो तीन बटे चार। तो यहाँ से निकालूंगा वही ए इंटरसेक्शन बी डैश, क्योंकि फॉर्मूले में बनाने के लिए मुझे ये तो चाहिए, तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब कि ये बी डैश में से कॉमन और ए में से कॉमन, देखो कौन सा आ रहा है, वही इसमें जी जी है और इसमें भी जी जी है, तो ये जी जी कॉमन आएगा, है ना। तो यहाँ से प्रायिकता पी ए इंटरसेक्शन बी डैश क्या निकल के आ जाएगी मेरे पास, एक बट्टे चार निकल के आ जाएगी। तो ऐसे ही अब इसकी सेपरेटिव प्रायिकता निकाल लेंगे कब, जब हमारे पास दोनों बच्चों के लड़के लड़की होने की प्रायिकता आएगी, सेपरेटिव प्रायिकता कब, जब न्यूनतम एक बच्चा क्या है, लड़की है। तब देखो ए अपॉन बी डैश निकालेंगे तो क्या आएगा, पी ए इंटरसेक्शन बी डैश अपॉन में पी बी। तो ए इंटरसेक्शन बी डैश कितना है, एक बटे चार आया, और देखो पी बी तो हमारे पास यहाँ से आ गया ना, पी बी कितना आया, सॉरी पी बी डैश चाहिए ना, पी बी बी डैश है नीचे, तो पी बी डैश ही चाहिए, तो तीन बटे चार, तो चार से चार कट जाएगा और एक बटे तीन इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो आइए फ्रेंड्स, ये एक बार बार क्वेश्चन है जो आपको आराम से सॉल्व होगा, कोई दिक्कत नहीं आई होगी। तो ऐसे ही अगर चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर, चलते हैं अगले वीडियो में, मिलते हैं आपको, तब तक के लिए देखते रहिए डीसी मैथ क्लासेस चैनल पर प्रायिकता। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।